इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपकी टेंशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? मैं जसीम इंडिया से और आज एक वीडियो लेकर आया हूं मुफ्ती सलमान अज़हरी का। आई होप कि आपका जो टेंशन है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को शुरू। खून के लिए इंसान की किसी हैसियत का होना भी जरूरी नहीं। बाज़ लोग ये समझते होंगे कि इतना मैं कमा लूंगा तो सुकून हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि झोंपड़ियों में रहने वाला काफी सुकून से होगा, महल्लात में रहने वाला बड़ा परेशान है। और कभी ये भी हो सकता है कि महल में रह करके भी सुकून मिल जाए, छोटे घर में वो बेकरार हो जाए। तो बेकरारी और सुकून का ताल्लुक दुनिया की दौलत से नहीं और ना ही आपकी सेहत से है। कभी हो सकता है हट्टा कट्टा आदमी है, सेहतमंद है, लेकिन बेकरार है, सुकून की दौलत उसे नहीं है। और कभी बहुत ही दुबला पतला कमजोर बंदा है लेकिन काफी इत्मीनान है उसके कल्ब में, ठहराव है, जमाव है। तो ये सुकून की दौलत हासिल करने के लिए आज पूरी दुनिया परेशान भी है। आप अगर यूरोप की सरजमीन पर देखें, अमेरिका या मगरबी ममालिक के पास, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कुछ है, रूह का करार, दिल का सुकून नहीं मिलता है। इसीलिए बाज़ कंट्रीज ऐसी हैं, बाज़ मुल्क ऐसे हैं जहां कानूनी तौर पर सुसाइड करने की भी इजाज़त है, क्योंकि कानून उन्हें इजाज़त देती है। अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो अपने हाथों से अपनी मौत कर लो। सुसाइड करना, आत्महत्या करना हमारे यहाँ तो जुर्म है। बहुत सारे ममालिक में इसकी इजाज़त नहीं, लेकिन बाज़ कंट्रीज ऐसी हैं जो कहती हैं इंसान की ये उसकी खुद की लाइफ है, अगर वो चाहे तो ख़त्म कर ले। और सुसाइड करने का और अपने हाथों से अपने आप को मारने का ये जज्बा अब के ज़माने में बहुत बढ़ चुका है। उसकी वजह क्या है? इत्मीनान का हासिल नहीं होना, दिलों का करार और सुकून का हासिल ना रहना, ये इंसान को मौत के घाट उतारने पर मजबूर करता है। कभी कभार अच्छा खासा आदमी, लेकिन उसके अंदर जो हलचल है, उसके अंदर जो बेकरारी है, वो लोगों को मालूम नहीं। और वो चंद दिनों के बाद खबर आ जाती है कि उसने सुसाइड कर लिया, अपने घर में लटक करके या अपने आप को जला करके या अपने आप को किसी पानी में गर्क करके खुद को उसने हिलाक कर लिया। ये हिलाकत खुद से सुसाइड के जो आज नतायज सामने आ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन का होना, सुकून का ना होना। ऐ मेरे अजीजों, उस कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने इसका इलाज भी तो बताया है, दवा खुद अल्लाह ने बताया है। और उसने हमें पैदा किया वो बेहतर जानता है, हमारे कल्ब को उसने बनाया, दिल को उसने बनाया है। दुनिया ने हमारे जिस्म का कोई पार्ट नहीं बनाया, ये सब रब्बे जुल जलाल के करिश्म कारहाए नुमाया हैं, कुदरत के करिश्मे हैं। और उसने जब कुरान में एक ही आयत में दो मकाम, दो जगहों पर यूं फरमाया, अल्लदीना आमनु वतत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन होते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ ए लोगो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। तो जिक्रुल्लाह ये रब्बे जुल जलाल की तरफ से दी गई दवा भी है, शिफा भी है, दुआ भी है, इलाज भी है। और इसी से दूर भाग करके आज लोग बेकरारी में हैं। मैंने शायद पिछले जिक्र की मजलिस में इस बात को जिक्र किया होगा कि औलिया कामिलीन जो हिंदुस्तान आए या फिर दूसरे मकामात पर जो सूफिया इकराम हैं, सूफिया इकराम ने जो इस्लाम की तबलीग फरमाई, सबसे बड़ा उनके पास हथियार क्या था? आज मिसाल के तौर पर आप हम सबको अगर सुनते हैं मुझे, तो जाहिर सी बात है मेरी और दूसरी चीज़ें तो आपको मालूम नहीं होंगी, लेकिन तकरीर मालूम है कि ये मशहूर हैं अपनी तकरीर से या बयान से, ये एक चीज़ मालूम है। औलिया कामिलीन का ऐसा कौन सा बड़ा हथियार था, कौन सा बड़ा जरिया था जिसके जरिए से वो तबलीग इस्लाम करते थे? वो तकरीरें ज्यादा नहीं,
बल्कि वो अल्लाह के जिक्र से लोगों के दिलों को धुलते थे। इस चीज से हम बहुत दूर आ चुके हैं। आज जो माशरा है हमारे यहाँ, कल्ब की सफाई का निज़ाम ही ख़त्म हो चुका है। आज ढूंढ करके निकालो, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, जो कुछ तहकीक तलब हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वो पूछते भी हैं कि आज भी ऐसी कोई खानकाह है जहाँ दिलों की मर्ज का, दिलों की बीमारी का इलाज होता है। तो हम जवाब में ये कहते हैं, हम भी उसी इंतज़ार में हैं, हम भी उसी तलाश में हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया से ये सब चीज़ें उठ गई हैं, इल्ला माशाल्लाह। तुर्की के मशायख आज भी इलाज करते हैं, मिस्र के बाद शाज़ली मशायख हैं जो अपने मुरीदीन की आज भी तरबियत करते हैं। मैं उनकी खानकाहों में बैठा हूँ जहाँ वो रिज़्क से लेकर के ज़िक्र के तमाम मकामात मरातिब, दिन और रात के तमाम तर जो डिसिप्लिन हो सकता है राह सुलूक का, वो सारी चीज़ें आज भी बताते हैं। लेकिन ये माहौल ख़त्म हो चुका जो सूफिया इकराम का था। आप सिलसिले चिश्तिया के जितने मशायख को आप देखेंगे हिंदुस्तान आए हैं, उनके जिक्र ही मशहूर हैं। हज़रत ख्वाजा सरकार गरीब नवाज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र मशहूर है। ख़त्म ख्वाजगान में भी उनके बाज़ अज़कार शामिल किए गए हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, साबिर अलाउद्दीन कलियरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनका हाल तो ये है कि कब्र में गए खुद से बनी बनाई हुई और बंद करवाया और 9 साल तक जिक्र इलाही में मशगूल रहे, बाहर किसी ने उनको देखा नहीं। ये वो लोग थे जिनके ऊपर फना की कैफियत तारी हो जाती, विजदानी कैफियत तारी होती। बाज़ लोग हमसे ये सवाल करते हैं, कैसे ये रह सकते हैं 9 साल, 10 साल, 8 साल, 11 साल, जो बुजुर्गों के मुतालिक ये रिवायात मिलती हैं। मेरे अजीज़ों, अक्ल यहाँ आकर के रुक जाती है और समझ नहीं पाती, क्योंकि इंसान की अपनी ज़रूरियात भी होती हैं। मेरे अजीज़ों, ये लोग जो अहलुल्लाह हैं, जब दुनिया से किनारा कशी कर लेते, खाने पीने की कोई उनको एहतियाज ज़रूरत ना रहती, अल्लाह का जिक्र ही उनकी ग़िज़ा बन जाता और इस ग़िज़ा का कोई फजला नहीं निकलता। हमको जो हाजतें होती हैं पेशाब पखाने वगैरह की, तो हम तो जिस्मानी ग़िज़ा खा रहे हैं, तो फिर इसका कचरा भी निकलना है। लेकिन जिसकी ग़िज़ा ही अल्लाह का जिक्र है, उसका कचरा कहाँ से आए? तो उन औलिया कामिलीन को कभी इन चीज़ों की हाजत ही नहीं हुई जो वो मुजाहदे के दौरान ज़िंदगी गुजारते थे। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी भर उन्हें कभी ज़रूरियात नहीं होती, होती थी, लेकिन जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र में मह हो जाते थे, तो दुनिया भी बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह ताला उन्हें महफूज कर लेता था। मेरे अजीज़ों, मैं दो चंद बातें आज आपके सामने अर्ज़ करूँगा। जब हम अपना मकसद असली भूल जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाएंगी। हम भूले हुए लोग हैं। हमारा असल मकसद ही ये था, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में फरमाया, मैंने अपने ज़िक्र के लिए, अपनी इबादत के लिए तुम्हें पैदा किया है। तुम दिन रात अपने मशगले करते रहो, काम काज करते रहो, लेकिन अपने रब को भूल करके नहीं। मिसाल के तौर पर तुम्हारी अगर दुकान है, तुमने दुकान शुरू की बिस्मिल्लाह कह करके, दुकान में बैठे अल्लाह को याद किया, ज़रूरी नहीं कि हर 2 मिनट पर एक एक दो दो रकात पढ़ता बैठा हो, ज़रूरी नहीं है। आप गले पर बैठे हैं, दुकान में तिजारत कर रहे हैं, लेकिन फजर की नमाज़ पढ़ करके गए थे, जोहर की नमाज में वापस आए, तो फरमाया गया उसका पूरा दुकान में बैठना भी इबादत ही है। वो अल्लाह के जिक्र में ही उसका वक्त गुजरा है। वो जोहर से लेकर असर फिर अगर अपनी तिजारत में मशगूल रहा, वो बिस्मिल्लाह कहकर के तिजारत शुरू किया, असर की अजान हुई, वापस अपने रब की बारगाह में सर झुकाने के लिए आ गया, तो फरमाया गया कि सिर्फ ये जोहर और असर काउंट नहीं होगी, बल्कि इसके बीच में जितना वक्त उसने दुकान में लगाया, वो भी सजदों की बराबर इबादत में शुमार हो। तो इस तरह से तो बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी को, अपने पूरे दिन और रात को इबादतों में लगा सकता है। सिर्फ शर्त ये है कि जिन औकात में रब तुम्हें पुकारे, अल्लाह तुम्हें बुलाए, उन औकात में ज़रूर हाजिर हो जाना। एक बड़ी पते की बात मैं करता हूँ। आज
जिस चीज ने हमें बहुत ज्यादा गाफिल किया है, जिस चीज ने हमें सबसे ज्यादा गाफिल किया है नौजवान बच्चों को आज, वो मोबाइल है। इंटरनेट का जमाना है, इसमें लोगों की रातों की नींदें उड़ गई हैं, सेहत भी तबाह बर्बाद है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता, आंखें खराब हो चुकी हैं, कई लोगों के हाथों के मर्ज में मुबतला हैं, कई लोग अपने हार्ट की तकलीफ में मुबतला हैं, सिर्फ इसके जो मोबाइल के रेजेस हैं और बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये तकलीफें हैं, लेकिन उसके बावजूद इसको हम छोड़ते नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ कि छोड़ करके पूरा ख़त्म करने की भी बात नहीं कर रहा हूँ, इसका इस्तेमाल जिन कामों के लिए है ठीक है, लेकिन इसी से हमें कुछ चीज़ें सीखना भी चाहिए था, इसी मोबाइल से ही। मैं महसूस करता हूँ कि इंसान अपना मकसद असली भूल गया, लेकिन मोबाइल अपना मकसद असली अभी नहीं भूला। मोबाइल की ईजाद, मोबाइल की बुनियाद किस काम के लिए रखी गई? ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है ना। मोबाइल शुरू किया गया था एक दूसरे से ताल्लुक कायम करने के लिए। आप यहां बैठे हैं, फलां जगह आपके रिश्तेदार हैं, आपको कॉल करनी है, उनसे बात करनी है, आपने मिलाया नंबर, बात कर ली। शुरू में जो मोबाइल आया था इतने ही काम के लिए था ना, ज्यादा से ज्यादा मैसेज फॉरवर्ड कर सकते थे, मैसेज वो देखता आपको रिप्लाई कर देता, इतना ही काम था। कॉल हो सकती थी, मैसेज हो सकता था, और असल मकसद भी मोबाइल का यही था, कम्युनिकेशन। ठीक है, आप कॉल करें, उधर से कॉल आए, उठाएं, बात करें, यही काम के लिए मोबाइल की जरूरत। मोबाइल में तरक्की होती गई, मोबाइल में और तरक्की होती गई। चंद दिनों के बाद इसमें म्यूजिक आई, इसमें गाने भी आए, सुनने वाली चीजें आई। चंद दिनों के बाद और तरक्की हुई कि इसमें फोटो लिया जा सकता था, वो भी छोटी साइज का, फोटो की हद तक चलता रहा। उसके बाद फिर वीडियो आई इसके अंदर, फोटो वीडियो गैलरी तक तो ठीक था, उसके बाद अब इसमें ही इंटरनेट की पूरी दुनिया डाल दी गई। अब इसमें वेबसाइट भी खुलने लगी, जो टेलीविजन में देख सकता था वो सबका सब मोबाइल में देखने लगा। इस तरक्की को मोबाइल ने तकरीबन 10 सालों में या 20 साल लगे इसको, 20 साल में ये इस तरक्की को पहुंच चुका है कि अपनी सारी दूसरी चीजें पीछे छोड़ दिया। टीवी का भी वो आज मकाम नहीं रहेगा जो मोबाइल का है, घर के लैंडलाइन का भी कोई अता पता नहीं है, मनी ऑर्डर, खत, पोस्ट कार्ड, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी, मोबाइल सबकी जगह ले चुका है। बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत तरक्की कर चुका है मोबाइल। फिर मैं तवज्जो दिला रहा हूं, इसका असल काम क्या था? कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कॉल करना। मोबाइल इधर से उधर दो लोगों की बात कराता था, लेकिन मेरे अजीजों इन 20 सालों में इस मोबाइल को देखो, आज ये तरक्की इतनी कर चुका कि पिक्स आ गई, वीडियोज आ गई, इंटरनेट आ गया, इसके अंदर गेम्स आ गए, सब आ गए। लेकिन चाहे तुम कुछ भी देख रहे हो मोबाइल ओपन करके, अगर किसी दूसरे ने कॉल किया तो वो उसी वक्त कॉल आती है या नहीं आती? तुम्हारे मोबाइल का स्क्रीन शो करता है या नहीं करता? तुम फेसबुक देख रहे हो, कॉल आती है कि नहीं आती? तुम वीडियो देख रहे हो, अगर किसी ने कॉल किया तो उसी वीडियो के बीच में ही ये बजा करके दिखाता है कि कोई तुम्हें बुला रहा है। गेम खेल रहे हो तुम, अंदर चाहे जितने फोल्डर के अंदर चले जाओ,